नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति। फ्रेंड्स, अगर लाइफ में आगे आप बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिसीजंस लेने ही होंगे। जितने अच्छे डिसीजंस आप लेंगे उतना लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक बार एक MNC कंपनी को अपनी कंपनी के लिए CEO को अपॉइंट करना था। बहुत सारे इंटरव्यूज HR हेड ने लिए और एट लास्ट एक कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया। फ्रेंड्स, उस कंपनी का ट्रेडिशन था कि कंपनी के चेयरमैन एक शानदार लंच के बाद भावी CEO को अपॉइंटमेंट लेटर दिया करते थे। फ्रेंड्स, लंच के लिए CEO को और चेयरमैन सर को दोनों को कॉल किया गया। लंच स्टार्ट हुआ। लंच स्टार्ट करने से पहले दोनों ने सूप ऑर्डर करा। CEO ने सूप पीने से पहले सूप में नमक डाला। दोनों ने सूप एंजॉय करा। सूप पीने के बाद लंच लिया। लंच एंजॉय करने के बाद, लंच लेने के बाद दोनों ने हाथ मिलाए और चेयरमैन सर ने CEO को बोला कि हमारे HR हेड आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर बाद चेयरमैन सर ने HR हेड को बोला कि मैंने उस कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। इस बात को सुनकर HR हेड और बाकी इस कंपनी के जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। HR हेड ने सर से पूछा, चेयरमैन सर से पूछा कि सर आपने उन कैंडिडेट को रिजेक्ट किस कारण से करा। सर ने बोला, उस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, उस व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को मैंने देखा। जब सूप हम लोगों ने लिया, सूप पीने से पहले उसने उसमें नमक डाल दिया। ये बात तो समझ में आती है कि सूप पीने के बाद पता चले कि सूप में नमक है या ना है, नहीं है, उसके बाद उसमें नमक डाला जाए, लेकिन सूप पीने से पहले उसने उसमें नमक डाला। इसका मतलब उसने सच्चाई जानी नहीं कि उसमें नमक है या नहीं है और उसने नमक डाल दिया, इस कारण मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, ये बात सुनकर HR हेड ने बोला कि सर क्या इतनी छोटी सी बात से फर्क पड़ता है। सर ने बोला, तुम्हें लगता है कि छोटी सी बात है, अगर आज उसने सूप को पीने से पहले उसने नमक डाल दिया, उसने डिसीजन लेने से पहले जानकारी हासिल नहीं करी, तो आने वाले टाइम में जब वो हमारी कंपनी को लीड करेगा तब वो किस तरीके के डिसीजंस लेगा बिना जानकारी प्राप्त करे। मैं इस तरीके के व्यक्ति को अपनी कंपनी के CEO के रूप में सेलेक्ट नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है कि बात छोटी सी है, तो आने वाले टाइम में इस कंपनी से जाने वाले का नंबर तुम्हारा ही होगा। फ्रेंड्स, इस छोटी सी बात से हमें सीखने को मिलती है कि डिसीजन लेने से पहले आपको पूरी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, उसके बाद आपको डिसीजंस लेने चाहिए। फ्रेंड्स, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम लोग कितने सारे डिसीजंस लेते हैं। हमें बेड पर कौन सी साइड से उतरना है, आज ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है, आज हम लोग ऑफिस कौन से रूट से जाएंगे, आज हम लोग कौन सी ड्रेस पहनेंगे, और बहुत सारे डिसीजंस हम लोग लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग डिसीजन लेने से बचते हैं। इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमें लगता है कि अगर हमारे डिसीजंस गलत हो गए तो क्या होगा, अगर हम हमारे डिसीजंस में फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन फ्रेंड्स, डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। इसका मतलब ये है कि हाँ, मैं इस बात का डिसीजन लेता हूँ कि मैं डिसीजन नहीं लूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपके लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके अवसरों के रास्ते हमेशा बंद रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो फ्रेंड्स आपको डिसीजंस लेने ही होंगे। लेकिन डिसीजन लेने से पहले आप उससे रिलेटेड सभी तरह की जानकारी आप इकट्ठी करें, सभी तरह का नॉलेज आप लें, उसके बाद ही आप डिसीजंस लें, उसके बाद उन डिसीजंस पे इंप्लीमेंट करें और आप लाइफ में जरूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर कर हमारे इस मोटिवेशनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे इसी तरीके मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार 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 मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।